कृपया मेरे पीछे दोहराएं। भूया एव विदस्यामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे। भूय एव विदस्यामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विदस्यामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। आप लोग रिपीट कर सकते हैं। भूय एव विदस्यामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विदस्यामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विदस्यामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे। और कोई शब्दार्थ? भूयः, फिर एवा, भी, विविच्यामि, मैं जानने का इच्छुक हूँ, भगवान, भगवान, आत्मा, निजी, निजी, मायया, शक्तियों से, यथा, जिस तरह, इदम, यह घटनाओं से भरा जगत, सृजते, सृजन करते हैं, विश्वम, ब्रह्मांड का, दुर्विभाव्यम, अचिंत्य, अधीश्वरे, महान देवताओं के द्वारा। अनुवाद श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन सदृश ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन सदृश ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो तात्पर्य पे चर्चा करने से पहले एक बार हम मंगलाचरण करके भगवान और वैष्णव की कृपा को आकर्षित करके कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो कृपया सब लोग मंगलाचरण हम कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानजनजनशलाखया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा श्री कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितम श हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये वांशाकल्पतरूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेश हरे कृष्णा। तो आपका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत करते हैं आपकी प्रातःकालीन भागवत चर्चा के लिए इस दैनिक कक्षा में। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना और भगवान से प्रार्थना ताकि अपनी शुद्धिकरण और आपके आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी प्रगति में थोड़ा सा योगदान के लिए भगवान शक्ति दें और आप लोग कृपा दें। तो तात्पर्य पे चर्चा करते हुए बड़ा तात्पर्य है तो एक साथ दोनों चीज़ करेंगे, तात्पर्य भी पढ़ेंगे और बीच बीच में चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो श्लोक के शब्दों पे थोड़ा सा हम लोग विचार कर सकते हैं जो आप सबके सामने लिखा गया है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्कंद है इसमें परीक्षित महाराज इस चैप्टर में जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। यहाँ पे विविदस्यामि मैं जानने का इच्छुक हूँ। क्या जानने का इच्छुक हैं कि भगवान श्री भगवान आत्ममाया अपनी निजी शक्तियों के द्वारा यथा जिस तरह इदम यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक ब्रह्मांड का नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन दिया है प्रभुपाद जी कहते हैं इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी इस बात को कहते हैं यश्वेक निश्वसिता कालम अथा विलंब जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। तो कई सारे ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है उसमें इदम इन घटनाओं से भरे जगत या विश्वम ब्रह्मांड, वैसे शब्दार्थ में ब्रह्मांड का हिंदी में दिया है पर तात्पर्य में जो है अनुवाद में ब्रह्मांडों मतलब कई विश्वों का जो है सृष्टि के बारे में यहाँ पे चर्चा है। विश्वम और सृष्टि कैसा है दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्यम मतलब जो अचिंत है जिस पे प्रभुपाद जी काफ़ी अभी विचार प्रस्तुत करेंगे। किनके द्वारा अधीश्वर है, केवल आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अधीश्वर महान देवताओं के द्वारा जो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताएंगे ब्रह्मा शिव जैसे भी देवताओं के लिए इस सृष्टि का सृजन को समझना एक तरह से अचिंत है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है क्योंकि उन्हें अपने गुरु से श्री भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरू करते हैं अभी
श्लोक के तात्पर्य पे मतलब इस पे नहीं जा रहे, बट प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं एक आइडियल शिष्य और आइडियल गुरु के बारे में। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना शुरू करते हैं कि एक जिज्ञासु मन को के लिए स्वाभाविक है कि सृष्टि का उद्गम किस प्रकार हुआ, संसार किस तरह से उत्पत्ति में आया, पर इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए उसे किसी विद्वान के पास जाना चाहिए। तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताएंगे। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। तो क्या उसके लक्षण होने चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो। तो पहला लक्षण बता रहे हैं किससे पूछना चाहिए। पहला चीज़ है जिज्ञासु, मनुष्य के मन में प्रश्न आना चाहिए, है ना, जिसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, अब कि मन में प्रश्न आना चाहिए। तो अगला प्रश्न है किससे पूछना चाहिए, क्या हम लोग खुद से अनुकूल कर सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर ले सकते, नहीं आपको जाना पड़ेगा जिस व्यक्ति को ज्ञान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात ना हो योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला चीज़ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक जिज्ञासु मनुष्य के मन में प्रश्न आने चाहिए, तो उसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ऐसे व्यक्ति को सर्वज्ञ होना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के प्रश्नों को वो अच्छी तरह से उत्तर दे के उसे संतुष्ट करे। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं भूया एव वित्स्यामि भगवान आत्ममाया। तो यहाँ पे दूसरा अब एक तरह से थीम शुरू हो रहा है। पहला थीम यहाँ पे दो थीम ऑलरेडी कवर हो गया है। एक थीम है कि बुद्धिमान मनुष्य के मन में प्रश्न आना चाहिए, दूसरा ऐसे व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। दो चीज़ें प्रभुपाद जी ने बताई हैं। अब एक अलग थीम स्टार्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि परीक्षित महाराज को ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु श्री भगवान से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, जैसे श्लोकों के शब्दों में आप देख सकते हैं विविध्यामी भगवान आत्ममाया। तो मुझे क्लियर है कि भगवान से संसार आया है, पर मैं जानना चाहता हूँ कैसे आया है। तो परीक्षित महाराज को यहाँ ये डाउट नहीं है कि संसार अपने आप आया, बिग बैंग थ्योरी या किसी के द्वारा अपने आप संसार सृष्टि में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई एक बुद्धिजीवी है, एक बहुत ही उत्कृष्ट मस्तिष्क है जिसके मार्गदर्शन या शक्ति के संरक्षण में इस ब्रह्मांड जो है सृजन होता है, उद्भुत होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही सीखते हैं जन्मादिस्य यतः। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे, उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था। ये तीसरा थीम है कि अपने आप नहीं आया, कोई ना कोई बुद्धिजीवी सृष्टि के पीछे है जिसकी मार्गदर्शन में सृष्टि का उद्गम है। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वह यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटनाओं से भरे जगत की सृष्टि कैसे की। और प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कॉमन सेंस है ना, अगर आपको इसमें डाउट है, मतलब आप एक कहते हैं ना एक सामान्य बुद्धि भी नहीं है अगर आपको इस पर डाउट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृजन किसी सृष्टा द्वारा किया जाता है, सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। तो जो इसको नहीं मानता, तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूढ़ लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है जिस तरह की विद्युत शक्ति कार्य करती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी
स्थानीय शक्ति घर में दक्ष अभियंता या इंजीनियर के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और वहाँ के निवासी अभियंता या इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। तो यहाँ पे प्रोपा जी उसी थीम में एक अलग पक्ष को दिखा रहे हैं कि सृष्टि वास्तविकता में एक बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन में प्रकट हुई है, ये अपने आप नहीं है और भगवान और जो शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। और उदाहरण प्रोपा जी प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम देखते भी है कि बिजली और इंजीनियर का एग्जांपल कि बिजली कार्य अपने आप नहीं कर रही, बिजली जो है कहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे यहाँ पे टेरी डैम पास में है तो वहाँ बिजली किसी दक्ष इंजीनियर के मार्गदर्शन में जो है प्रकट होती है और फिर उसको वितरित किया जाता है, जिसके माध्यम से कई चीज़ें कार्यान्वित होती हैं, लाइट जलती है, हाँ काम मशीनें काम करती हैं, हमें लगता है कि अपने आप कार्यान्वित हो रहा है पर उसके पीछे आप देखेंगे कोई ना कोई इंजीनियर है। सृष्टि के संबंध में श्री भगवान की अध्यक्षता का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है, जहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अपने स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके यह जान सकता है कि सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत शक्ति घर के पीछे वहाँ रहने वाले अभियंता का हाथ रहता है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा शिव इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी श्री भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन शूद्र संसारी शोधार्थियों के बारे में क्या कहा जाए जो शूद्र वस्तुओं में लीन रहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों में रहन सहन में अंतर है और जिस प्रकार एक ग्रह दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन ग्रहों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। ब्रह्मा के ग्रह के निवासियों की दीर्घायु जो इस पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए अचिंत है, उनकी तुलना ब्रह्मा के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जाती है जो इस ग्रह के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत है। तो कहने का है कि ब्रह्मा और शिव जी का स्तर इतना ऊंचा है और उनका सोचने समझने का शक्ति मतलब अचिंत है। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम अपने से कंपेयर करते हैं तो उनका जो सोचने का स्तर है, उनका जो समझने का स्तर है वो बहुत उत्कृष्ट है, पर फिर भी उन लोगों के लिए भी संसार का सृष्टि किस प्रकार हुआ इस बात को समझना कई बार बहुत कठिन होता है। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा ने अपनी महान संहिता ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्वकारण कारणा। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें श्री भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सनातन ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इस शुद्र ग्रह पृथ्वी के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति श्री भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो तर्कवादी ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं,
जिससे श्री भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है, अवजानंती मा मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। ब्रह्मा तथा शिव और अन्य देवताओं की बात ही क्या, वे भूत हैं अर्थात वे शक्तिशाली रूप में उत्पन्न किए गए देवता हैं जो ब्रह्मांड के कार्य को उसी प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर हैं अर्थात इन नियंत्रकों के भी सृष्टा हैं। अल्पज्ञ लोग इसे नहीं जानते, अतः वे श्री भगवान का उपहास करने की धृष्टता करते हैं क्योंकि वह मनुष्यों पर अहितों की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। तो ये वही थीम चल रहा है जो तीसरा थीम है कि सृष्टि का कारण कौन है। तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति में अगर कॉमन सेंस भी है वो समझ सकता है सृष्टि के पीछे जो है कोई ना कोई सृष्टि करता है, पर मूर्ख लोग हो सकता है कई सारे उनके पास डिग्रियां हो और बहुत बड़े बड़े चिंतक भी वो अपने आप को मानते हों, अगर वो इस बात को नहीं मानते कि सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है तो गीता में भी और प्रभुपाद जी यहाँ बताए रहे हैं कि वो मूर्ख हैं, वो मूढ़ हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। भगवान शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं, है ना। तो शक्ति और शक्तिमान में हम पढ़ते भी हैं उसमें भेद नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं कि भगवान की शक्तियाँ क्या तीन तरह की हैं, पर दोनों एक ही हैं, राधा कृष्ण एक हैं, पर वो अलग हो गए पर अब फिर दोबारा एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान और भगवान की शक्ति अभेद भी है और भेद भी है, अचिंत्य भेद अभेद। तो महाराज परीक्षित ने अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। अभी फोर्थ थीम स्टार्ट कर रहे हैं, चौथा चीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला आस्पेक्ट ख़त्म हो गया। तो पहला आस्पेक्ट था कि बुद्धिमान व्यक्ति को जिज्ञासा करना चाहिए, दूसरा था जिज्ञासा करने के लिए एक सर्वज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए, तीसरा है कि इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जिसने सृष्टि किया है और जो ये नहीं मानता मूर्ख है। और इसी में प्रभुपाद जी सब थीम टच कर रहे हैं कि आसान नहीं है, है ना। ब्रह्मा शिव जैसे भी महान चिंतकों के लिए कभी कभी सृष्टि की संरचना और सृष्टि का प्राकृत्य को समझना कई बार जो होता है बहुत ही कठिन होता है। और कृष्ण को स्थापित करते हैं इसी में कि कृष्ण ही वास्तविकता में सर्व कारण कारण है। प्रभुपाद जी इस चीज़ को यहाँ स्थापित करते हैं अलग अलग शास्त्रों से और भगवान ब्रह्म समय तो और ख़ासकर भगवद्गीता से इस चीज़ को स्थापित करते हैं। अब चौथा जो थीम है वो स्टार्ट हो रहा है। महाराज परीक्षित अब गुरु से क्या पूछना चाहिए तो यहाँ पे बता रहे हैं, और किस तरीके से परीक्षित महाराज ने जो पूछा वो बहुत अच्छा है, यही पूछना चाहिए शुरुआत में, यहाँ प्रभुपाद जी बताएंगे। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने को नहीं कहा, वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे। ना ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को सीधी श्री भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे क्योंकि समय कम था, अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधा दसवें स्कंध में पहुँचते, जैसे कि व्यवसायिक वाचक सामान्य रूप से करते हैं। तो बीच में एक इसी में प्रभुपाद जी एक सब थीम में दे रहे हैं कि किस तरीके से गलत गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन होता है। तो अच्छा शिष्य बता रहे हैं और उसका नेगेटिव साइड भी समझेंगे तो एक पूरा तरीके से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे ईशोपनिषद में कहा है कि दोनों साइड्स हमें समझना चाहिए, है ना।
अगर हमें किसी चीज़ को समझना है उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों समझना चाहिए। तो इसमें क्या इंक्वायरी करनी चाहिए और शिष्य के द्वारा और गुरु को क्या बताना चाहिए, तो प्रोपा जी पहले कह रहे हैं कि शुरू में भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, गुरु को सबसे पहले ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में ही बताना चाहिए, बाद में माधुर्य आस्पेक्ट जो है या भगवान की लीलाएं हैं तो उनके बारे में बाद में बताया जाए, ऐसा नहीं बताना नहीं चाहिए पर शुरू में यही करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि समय कम था अतएव शिला सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़ के सीधा दसवें स्कंद में पहुँच जाते जैसा कि व्यवसायिक वाचक सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन ना तो राजा ने ना ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने श्रीमद् भागवतम के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। दोनों ही विविध विधि पूर्वक आगे बढ़े, तो विधि बता रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते पहले नौ स्कंद हैं भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, और ये सब समझने के बाद जब व्यक्ति को कोई डाउट ना हो कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वही सब कारणों के कारण है, वही अवतारी हैं जो बाकी सब अवतार उन्हीं से आते हैं, ये सब समझने के बाद फिर व्यक्ति जो है दशम स्कंद में जो है प्रवेश करे, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवतम सुनने की विधि की शिक्षा ग्रहण कर सकें। जो लोग श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं अथवा दूसरे शब्द में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आकर्षित व मोहित हैं, ग्रसित हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति कैसे भगवान के मार्गदर्शन में अद्भुत कार्यों को करती है, उस चीज़ को सुनने से हम जो है धीरे धीरे इस बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल या पाश से हम लोग मुक्त होते हैं, बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतः भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव भुवनान विवर्ति दुर्गा। उनकी भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यकारक प्रदर्शन के पीछे श्री भगवान का निर्देशन कार्य करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता इसी बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देश अनुसार कार्य करती हैं और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास का एक तिनका भी नहीं हिला सकती। तो उसी थर्ड थीम को टच करें, संसार की सृष्टि नहीं और इवन कार्यकलाप थोड़ा अलग आ गए हैं, मतलब संसार की सृष्टि के पीछे भी भगवान है और संसार जो भी कार्यकलाप कर रहा है, जो चल रहा है, चलायमान है, उसको चलाने वाले भी भगवान ही हैं। दुर्गा देवी माध्यम है पर वो एक तिनका भी भगवान कृष्ण के अनुमति के बिना हिला नहीं सकती। तो ये भी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं प्रभा जी। अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि से विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर कितने महान हैं। तो जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान में दो आस्पेक्ट प्रोपा जी बता रहे हैं, किस तरह से भगवान इस संसार का सृष्टि करते हैं और किस तरह से भगवान के निर्देशन में दुर्गा शक्ति के द्वारा इस संसार में कई सारी चीज़ें कार्यान्वित होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को प्रोपा जी कह रहे हैं कि हमें बद्ध जीवों को, जो कि खासकर दुर्गा जी के द्वारा ग्रसित हैं, उनके नियंत्रण में है, तो हमें जब तक उनके नियंत्रण में है उससे निकलने के लिए हमें इन चीज़ों को बड़ा सावधानी से समझना चाहिए, और जब एक बार हम इनसे ऊपर उठ जाएं तो हमें वास्तविकता में योग्यता मिलती है कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति
के कार्यकलापों के विषय में चर्चा और उन्हें समझ सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें श्री भगवान के हाथ होने की व्याख्या की गई है और श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता नवजिज्ञासु भक्तों को आग्रह करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में ना गिरे। यहाँ चेतावनी भी दे रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा और आगे जा रहे हैं, यानी अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आप क्या है, सीधा सीधा अगर कूदेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधा गड्ढे में जाएंगे। आप अच्छे हैं, आप भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, पर सीधा सीधा भगवान की अंतरंगा शक्ति में ना जाइए। सीधा सीधा भगवान मतलब शॉर्ट में दशम स्कंद में मत कूदिए। भगवान की रासलीला और भगवान की अंतरंग लीलाओं के विषय में जानने से पहले क्यों ये परम भगवान हैं, है ना, कैसे भगवान है, तो उस चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए क्यों ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल किया है? लगभग सभी ने मेट्रो में ट्रैवल किया है। तो आपने मेट्रो में ट्रैवल किया तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात था? मतलब अगर कोई व्यक्ति सुनेगा कि आपने मेट्रो में ट्रैवल किया है तो उसको आश्चर्य होगा? नहीं होगा। अब जब भगवद गीता का मंदिर में हम लोगों का दिल्ली में ओपनिंग हुआ था, तो जब ओपनिंग हुआ था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, तो जब आए तो जब वो एक मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अपना सारा गाड़ी पार्क कर दिया और वो मेट्रो से आए और पूरा का पूरा इंडिया का मीडिया उसको कवर कर रहा था। तो मेट्रो में हम भी ट्रैवल करते हैं पर किसी मीडिया ने कभी कवर ही नहीं किया। पर नरेंद्र मोदी जब मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था तो सारा मीडिया ने कवरेज दिया, तो अंतर क्या था? क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान का दृष्टिकोण से देखें वो भारत का प्रधानमंत्री है, उसको किसी मेट्रो में आने का ज़रूरत नहीं है। वो मेट्रो में आता है तो उसको लीला बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए उसका एक लीला है। पर हम लोग मेट्रो में जाएं इसमें तो ये हमारा नीड है, ये हमारा ज़रूरत है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो उसी तरीके से देखने में तो भगवान के कार्यकलाप अगर आम दृष्टिकोण से देखें तो यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ, जैसे एक बच्चा माँ के साथ जो है व्यवहार करता है, तो उसमें अद्भुत बात क्या है? पर कोई व्यक्ति जानता है कि ये जो व्यक्ति है जो यशोदा मैया का गोद में है, उसके गर्भ में या उसके पेट में सारे के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ये देख के जब ऐश्वर्य ज्ञान को व्यक्ति समझता है और तब इस चीज़ को देखता है तो वास्तविकता में उसको अचंभा होता है। वो उसको लीलाएँ में फिर वो जो अद्भुत चीज़ें हैं वो चीज़ समझ आता है। इवन भगवान का माधुर्य भी तब समझ आता है कि कितना भगवान में स्वीटनेस है, कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इतना सिंपली जो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, तो वो फिर चीज़ें टच करता है। नहीं तो व्यक्ति देखेगा अच्छा इनमें क्या बड़ी बात है, ये अपनी मम्मी मदर का गोद में थे, मैं भी गोद में था, है ना, ये मिट्टी खाते तो मैंने भी मिट्टी खाया, मैं तो चप्पल भी खाया है, तो फिर बड़ा बात क्या है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान का ईश्वर ज्ञान को हम लोग समझें, और ये ना करने पे हम लोग गड्ढे में गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महानता को जान लेने के उपरांत ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान श्री कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई कोरी कल्पना मानने का भूल करेंगे। श्री भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएँ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य हैं जिन्होंने पहले से अपने आप को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा के क्रमिक विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो दो चीज़ बता रहे हैं, सेवा और जिज्ञासा। जिज्ञासा करने से हमें नॉलेज मिलता है और सेवा करने से वो ज्ञान क्या होता है, रियलाइज़ होता है। इवन शिक्षाष्टकम में भी हम पढ़ते हैं कि हरिनाम लेने से क्या होता है, विद्या वधु जीवनम। तो इन्फॉर्मेशन है, पर इन्फॉर्मेशन का रियलाइजेशन हमें मिलता है
हरि नाम लेने से, जो कि नाम सेवा है और साथ ही साथ भगवान का व्यवहारिक कोई हम जब सेवा करते हैं तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादौ स्वयं अवस्फुरति अतः। तो सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो हम फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो हमें धीरे धीरे क्या होता है अनुभव और अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो प्रभुपाद जी वही चीज़ बता रहे हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को, कैसे स्तर को, मतलब जहाँ वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो के भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान की आंतरिक लीलाओं को सुनने की योग्यता प्राप्त करे। तो ऐसा स्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेवा तथा जिज्ञासा के क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं जो कि हम देख भी रहे हैं और भागवतम में भी लिखा है, श्रीमताम स्वकता कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना हृदयंतस्त अभद्राणी, धीरे धीरे क्रमिक नष्ट प्राय स्वभद्रेश नित्यम भागवता सेवया। तो धीरे धीरे करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं जिसमें नवदा भक्ति है, सारी चीज़ें फिजिकल सर्विसेज और क्लासेस अटेंड करते हैं, हरि नाम लेते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करते हैं, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हम रजो तमोगुण के प्रभाव से निकलते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर वो योग्यता आती है कि भगवान की अंतरंग लीलाओं को हम लोग सुन के समझ सकते हैं। और फिर जैसे जैसे इन आंतरिक लीलाओं में हम लोग और गहरे जाते हैं तो भगवान के प्रति जो हम शिक्षाष्टांगमय श्लोकों में रोज़ चर्चा भी करते हैं और बोलते भी हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम का प्राप्ति होना, तो फिर उन उच्च स्तरों को हम लोग फिर प्राप्त करते हैं जो कि मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य है। तो ये हमने थीम्स डिस्कस किया, तो एक बार समराइज़ करते हुए सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक जिज्ञासु मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए सृष्टि के सृजन के बारे में, तो किसके पास जाना चाहिए, एक सर्वज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सृष्टि का जो संरचना है उसके पीछे कारण भगवान है, जो इस बात को नहीं मानता वो मूर्ख और मूढ़ है, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से PhD बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, पर जैसे ही वो इस बात को नहीं मानता तो वास्तविकता में उसका सब अनुभव व्यर्थ है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में क्या वार्तालाप होना चाहिए, तो सबसे पहले एक नव जिज्ञासु व्यक्ति को सृष्टि के विषय में जो है प्रश्न करने चाहिए और गुरु को भी उसको वही बताना चाहिए, ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना हम इसके बारे में चर्चा करेंगे समझेंगे उतना हम लोग जो है ये जो भौतिक प्रकृति की पकड़ है उससे हम लोग जो मुक्त होंगे और हमें योग्यता आएगा कि हम भगवान की अंतरंगा लीलाओं को जो है सुन सकें। और प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं अगर सीधा अंतरंग लीलाओं पर कूदा जाएगा तो ये बहुत ही खतरनाक हम लोगों के लिए हो सकता है। और फिर प्रभुपाद जी तरीका बता रहे हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए ग्रेजुअली धीरे धीरे भगवान की सेवा करते हुए और भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हुए, दोनों चीज़ हम लोग जो है महाराज परीक्षित जिस तरह से दिखा रहे हैं उस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति से कार्यान्वित होने वाले लीलाओं को श्रवण तथा अंतरंगा शक्ति के हम लोग मार्गदर्शन में आने की योग्यता जो है प्राप्त करेंगे। तो ये आज का श्लोक था, कुछ विचार टिप्पणी कुछ बताना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कोई प्रामाणिकता से जिज्ञासु व्यक्ति हो और वो किसी तरह से, जैसे अभी हम प्रचार कर रहे हैं हमारे संपर्क में है, लेकिन हम तो नहीं है सर्वज्ञ, तो हम कैसे उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी तो बताएं कि जैसे परंपरा सर्वज्ञ है तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण नहीं देते हैं कि तत्व, गुरु तत्व तो एक व्यक्तित्व नहीं है, गुरु तो एक तत्व है जो हम तक
पहुंचता है और नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। तो अगर परंपरा है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने पूर्ववर्ती आचार्य या अपने वरिष्ठ भक्तों पे आश्रित है और वो जेन्युइन है, जहाँ उसको जहाँ तक पता है मानता है, जहाँ नहीं पता वो स्पष्ट रूप से बता देता है और लोगों को फिर ऊपर लोगों से मिलवा देता है, तो उस माध्यम से गुरु तत्व के माध्यम से, क्योंकि गुरु तत्व या गुरु परंपरा लिबरेटेड है और सर्वज्ञ, उसके माध्यम से वो व्यक्ति को भी जो है पूर्ण ज्ञान जो है मिल सकता है। तो उस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा। और कुछ जगत गुरु श्री प्रभुपाद की समवेत उपस्थित भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंद है।